वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम कुकिंग स्क्वाड पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ सोयाबीन की बड़ी की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सोयाबीन ले लिया, जिसे मैंने गर्म पानी में सोक करने के लिए रख दिया है। जैसे उबाल आएगा मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और थोड़ी देर तक इसी में इसे छोड़ दूंगी। दो मिनट के लिए हमने गर्म पानी में न्यूट्रेला बरी को डाल के इसी तरह छोड़ दिया था। उसके बाद इसका सारा पानी निचोड़ के ले लिया। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मैंने दही ले लिया है। दही में हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच के करीब। मैं डालूंगी इसमें नमक, एक चम्मच डालूंगी मैं इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची हरी मिर्च का पेस्ट। आधी चम्मच के करीब इसमें मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डालूंगी, ये मैंने मस्टर्ड ऑयल को गरम कर लिया था, उसके बाद ये ठंडा करने के बाद इसमें हम मिक्स कर देंगे। ये दो चम्मच के करीब मस्टर्ड ऑयल है, इसे भी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। खड़े मसाले मैंने लिया है यहाँ पे एक इलायची, दो लौंग और दो से तीन काली मिर्च, इसे भी डाल दूंगी। और थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें कस्तूरी मेथी। सारी चीजों को डाल के मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं डालूंगी फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते वरना स्किप कर सकते। मैं इसमें डाल रही हूँ एक पिंच के करीब फूड कलर, इससे कलर अच्छा आ जाता है। इसे भी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर इस पे हम डाल देंगे ये भरी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मैं इसे आधे घंटे के लिए ऐसे इसी में मैरिनेट करने के लिए छोड़ दूंगी। आप चाहे तो ज्यादा टाइम के लिए छोड़ सकते हैं, मैं सिर्फ इसे अभी आधे घंटे के लिए छोड़ रही हूँ। इसे मैं ढक के रख देती हूँ। तब तक मैंने एक मसाला तैयार कर लिया है। देखिए बड़ी मेरी अच्छी तरह मैरिनेट हो गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जी बनाना। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई पे तेल रख दिया है गर्म होने के लिए। जब तक तेल हमारा गर्म होता है तब तक हम कुछ खड़े मसाले ले लेते हैं। खड़े मसाले में यहाँ पे लिया मैंने जीरा, हरी इलायची, ये मैंने लिए है काली मिर्च, एक बड़ी इलायची इस तरह मैंने इसे खोल दिया है, और ये लौंग, तेज पत्ता, दालचीनी। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया, प्याज को मैंने हरा धनिया डाल के इस तरह से पीस लिया है, और अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट ले लिया है मैंने। टमाटर को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्सी में पीस लिया है। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे सारे खड़े मसाले। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। देखिए अदरक लहसुन भी अच्छी तरह भून गया। इसमें हम डालेंगे प्याज। इसी तरह मैं इसे चलाते हुए धीमी आंच में भून लूंगी। गैस की फ्लेम को मीडियम ही लो रखेंगे और इसी तरह चलाते हुए भून लेंगे। देखिए प्याज हमारी अच्छी तरह भून गई है। अब इसमें हम डाल देंगे जो हमने टमाटर पीस के रखे हैं और इसे भी डाल के अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, जिससे हमारा टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इस तरह सोयाबीन की बड़ी बना सब्जी बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसे मैं इसी तरह ढक के धीमी आंच में पका लूंगी। आइए चेक कर लेते हैं। देखिए टमाटर भी हमारे अच्छी तरह भुन गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे पिसे मसाले। मैं इसमें डालूंगी आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पे मैं डालूंगी आधा चम्मच ही गरम मसाला। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखिए मसाला भी हमारा अच्छी तरह भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो बड़ी हमने मैरिनेट करके रखी थी, इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मसाले के साथ।
देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मसाले के साथ मिक्स कर दिया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सब्जी की ये रेसिपी कैसी लगी। अब मैं इसे ढक के थोड़ी देर के लिए इसी में पकने के लिए छोड़ दूंगी। एक बार सब्जी को चेक कर लेते हैं। देखिए तेल ऊपर आने लगा है, मतलब सब्जी हमारी अच्छी तरह से भुन गई है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक। नमक मैंने मैरिनेशन में भी डाला था और टमाटर पकाते समय, इसलिए नमक हम देख के डालेंगे। इसमें थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ और डाल रही हूँ थोड़ा सा कस्तूरी मेथी। इसे भी डाल के अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। इसमें हम डालेंगे जरा सा हरा धनिया। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अभी हमारी सब्जी थोड़ा ड्राई लग रही है, हम इस पर थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये पानी मैंने गरम करके रखा था, वही पानी मैं डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक से दो मिनट इसे और हम पका लेंगे। सब्जी बनके हमारी रेडी हो गई है। आप इसे रोटी चावल नान किसी के साथ भी खा के देखिए, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। देखिए अब इसमें मैं डालूंगी लास्ट में हरा धनिया। गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। देखिए कितना प्यारा कलर आया है सब्जी का, यकीन मानिए खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है।